नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दुआ शायरी की बात करते हैं, कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन हो या कोई भी कार्यक्रम हो, आप दुआ शायरी बोल सकते हैं। और कि कहते कि जो बात दवा से ना हो सके वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से ना हो सके वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद अगर मिल जाए तो बात खुदा से होती है। तो कामिल मुर्शिद मिल जाए, ऐसा परमात्मा मिल जाए, ऐसा खुदा मिल जाए, ऐसे गुरु मिल जाए, और वास्तव में हम लोगों की बात खुदा से होती है, तो ऐसे रहनुमाओं की तलाश में रहिए और दुआओं की तलाश में रहिए। सच्ची दुआएं अगर हमें मिल जाए तो जीवन को संवार सकती है सच्ची दुआएं। अच्छे कर्म करते रहें, आशीर्वाद लेते रहें, आशीर्वचन लेते रहें, जीवन संवर जाता है। बोल सकते हैं कि जीवन में नियामतें अपार देती है, नेक दुआएं रोगी को उपचार देती है। जीवन में नियामतें अपार देती है, नेक दुआएं रोगी को उपचार देती है। किसी की सच्ची दुआ लेकर देखो, दुआ इंसान की जिंदगी सवार देती है। तो दुआएं वास्तव में इंसान की जिंदगी सवार देती है, इसलिए हम लोग सच्ची दुआओं की तलाश में रहें। एक किसी ने, भाई ने एक कमेंट किया है कि आप शायरी को परिभाषित ना करें। देखिए स्वामी जी चैनल पर ठीक है, शायरी के माध्यम से लोग आ रहे हैं, सुनने वाले हैं, या कहेंगे कि जो मन संचालन में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा जो विशेष रूप से काम है वो है पब्लिक स्पीकिंग का, मंच पर बोलना सिखाना कैसे है, मोटिवेशन स्पीकिंग का काम है, तो इसलिए ये जरूरी है मेरे लिए, ये तभी लोगों को समझ आता है। और बहुत से लोग, मैं कहूंगा कि 90% लोग इस चीज को लाइक करते हैं कि बात को अच्छे से समझाया जाए। केवल शायरी देना मेरा टारगेट नहीं है, इसलिए जो इंसान, उनको लगता है कि वो शायरी को परिभाषित ना करें या लंबी डिटेल ना दें, वो केवल शायरी को ही देख ले। इसके ऊपर एक वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, वहां पर केवल शायरी है, वो पढ़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और बोल सकते हैं कि ऐसी क्या दुआ दूं जो आपके लम्हों पर खुशी के फूल खिला दे, ऐसी क्या दुआ दूं जो आपके लम्हों पर खुशी के फूल खिला दे, बस ये दुआ है मेरी, सितारों से रोशन खुदा आपकी तकदीर बना दे। किसी जन्मदिन पर, किसी की मैरिज एनिवर्सरी पर, खुशी के मौके पर आप ऐसा बोल सकते हैं। किसी भी कार्यक्रम में दुआ शायरी, आशीर्वाद की शायरी, आशीर्वाद से भरी हुई ये शायरी कभी भी आप कहीं पर भी बोल सकते हैं। और एक बात मैं आपको और कहूंगा कि अगर आप शायरी की प्रैक्टिस करते हैं, मन संचालन की प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ना है, खड़े होकर अगर आप प्रैक्टिस करना सीख गए, खड़े होकर अगर आप बोलना सीख गए, प्रैक्टिस करना सीख गए, आपकी हैबिट हो जाएगी। ऐसा मेरा प्रैक्टिकल है। मैं देखिए कोई भी वीडियो बनाता हूँ, घूमते हुए कमरे में बोलते हुए ही मैं बोल पाता हूँ अच्छे से, बैठकर नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता, मीन कि अच्छे से नहीं बोला जाता। आप इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम लोग ये जो मैटर तैयार कर रहे हैं ये मन संचालन के लिए, कम्युनिकेशन के, लोगों से बातचीत करने के लिए, अच्छे से हम लोग कैसे लोगों को दुआएं दे उसके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों खड़े होकर प्रैक्टिस करें पूरा शीशे के सामने बंद कमरे में। कहते कि दिल से निकली दुआ काम करती है, सुनहरी जीवन का निर्माण करती है। दिल से निकली दुआ काम करती है, सुनहरी भविष्य का निर्माण करती है। जीवन की तरह भविष्य भी, जीवन की जगह भविष्य भी लगा सकते हैं कि दिल से निकली दुआ काम करती है, सुनहरी भविष्य का निर्माण करती है। हरदम दुआओं की तलाश में रहिए, दुआ ही इंसान को महान करती है। तो दुआ इंसान को महान बना देती है। जो व्यक्ति दुआ देता है, सच्ची दुआ देता है किसी को, वो भी तो महान हो जाता है। और जो सच्ची दुआएं लेता है, क्योंकि सच्ची दुआएं लेने वाला ही किसी को सच्ची दुआएं दे सकता है। सच्ची दुआएं तब मिलती है अगर इंसान के नेक कर्म हो, अच्छे कर्म हो, तभी उसको दुआएं मिलती है, तभी वो किसी को दुआ दे सकता है। कि दुनिया में तेज रफ्तार दुआओं की होती है, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान तक पहुंचने से पहले ईश्वर तक पहुंच जाती है। तो परमात्मा के चरणों में, परमात्मा तक ये दुआएं पहुंच जाती है। इसी तरह से दोस्तों बने रहिए पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन स्पीकिंग के लिए, सीखने के लिए। चाहे आपको राजनीतिक वक्ता बनना है, चाहे आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मन संचालक बनना है, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ